قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين जन्नत की खुशबू बार बार आई जनाबे आमना का चांद जब चमका जमाने में कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रोए मोहम्मद बनाया गया फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज्म कामों मकान को सजाया गया हुब्बे अहमद अजल से मेरे सीने में है हुब्बे अहमद अजल से मेरे सीने में है मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है नहीं सूंगी दुनिया के किसी फूल से नहीं सूंगी दुनिया के किसी फूल से जो खुशबू मेरे मोहम्मद के पसीने में है मुझे बेसहारा न समझो ए लोगो मुझे बेसहारा न समझो ए लोगो जरा जाके देखो मेरा सहारा मदीने में है अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का गले में हार डालो खुद मोहम्मद की गुलामी का मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है इसमें हो अगर कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है वक्त पर कतरा है काफी अब्र खुश हंगाम का जल गया जब खेत सारा मीह बरसा तो किस काम का ये रश्क चमन था मुझे मालूम न था मैंने समझा था कि दुनिया पे रहूंगा कायम असली वतन तो कब्र था मुझे मालूम न था मैंने समझा था कि दुनिया पे बनूंगा दुल्हा
असली पोशा के कफन था मुझे मालूम न था। रहमत का तेरी उम्मीद वार आया हूँ, मुँह ढांपे कफन शर्म सार आया हूँ। बार गुनाहों ने चलने न दिया पैदल, इसलिए कांधों पे सवार आया हूँ। हे झोंक फना दी भाई, ए झोंक फना दी भाई, इतु लड़ गए कई व्यापारी, कई अपनी आप बचा कर गए, कई खेप लुटा गए सारी। उठा सौदा दस्त बदस्ती दा, नहीं मिलनी रकम उधारी है। या गाल फकीर दी याद रखे, मत वन्यो यार विसारी। वाजिबुल एहतराम मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तो, मेरे हम उमर अजीज साथियों, सोने अल्लाह दा बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने मैं को तो हकों अपनी सारी मखलूक विचों चुन के इंसान बनाए, और सारी इंसानी मखलूक विचों चुन के अल्लाह पाक ने मैं को तो हकों मुसलमान बनाए, और अपने प्यारे हबीब लबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बनाए। दुआ करो जब तक जिस्म च जान रहे, अल्लाह पाक अपने और अपने प्यारे महबूब दे हर फरमान ते अमल करण दी जिंदगी गुजारण दी तौफीक नसीब फरमावे। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस सारी दुनिया कायम है, अल्लाह ने बनाई है, और अपने प्यारे महबूब दे सदके कायम फरमाइए। एक लख 24,000 कमो पेश अंबिया रसूल नबी तशरीफ गिनना, इन्हें साढ़े नबी सही वास्ते जा हमवार फरमाइए, जा तैयार की थी। असल आमद है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, और आमद सिर्फ आमद तक महदूद ना है, विलादत सिर्फ विलादत तक महदूद ना है, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी को मकसद दे के दुनिया से रवाना फरमाए, मकसद दे के। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जदा भी कोई इंसान अल्लाह की ताबेदारी विच रहंदे और अल्लाह दे नबी की ताबेदारी च रहंदे, पिछे ना जमीन मुसीबत बन दिए ना आसमान मुसीबत बन दे। जमीन भी अल्लाह दिया रहमत दे दिए, आसमान किने भी अल्लाह दी रहमत वसती है। और जदन इंसान अल्लाह दी ना फरमानी करें दे, तो मेरे गल हिंदू तवज्जो है, जदन इंसान अमली तौर ते अल्लाह दी ना फरमानी करें दे, पिछे अल्लाह साड़ी जुबान ते नहीं रखी, साड़े अमल ते रखी है, साड़े अमल दे मुताबिक आसमान किने अल्लाह सही, साड़े अमल दे मुताबिक जो कुछ नाजिल फरमे दिन साड़े अमल दे मुताबिक होंदे। और जमीन किने अल्लाह जितनी पैदावार दे दें, चंगी पैदावार मंदी पैदावार साडे अमल दे मुताबिक होंगी। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब कोट मिठन शरीफ अरे किने कहीं पूछा हा
जो बारिश दी जाते निनावे क्यों वसदन, बारिश दी जाते निनावे क्यों वसदन और जमीन क्यों कंब दिए। फरमाने जले बंदे आसमान आले दी ना फरमानी करें देन और निनावे वसें दे, जले बंदे जमीन आले मोहम्मद करीम दी ना फरमानी करें देन पिछे जमीन वो जमीन नहीं रहें दी, इंदा एक एक फल पंजे वस्ते खुदा दा कहर पान में ले। तो असा अपना मुताला च करो, मूसा अलैहि सलाम दे दौर च क्योंकि बनी इसराइल जेरी कौम है ना वड़ी अखड़ मिजाज ते शरारती किस्म दी है। कई वेले मूसा अलैहि सलाम को आदे हन अज सदा मूडे जो अल्लाह को आख अज सा कुछ रहे बटेरे खवावे, वक्त अल्लाह से बटेरे मन नो सलवा खवेंदे रह गए। एक जाड़े आखे ने कोई दाल थूम वसली खवा हिक्की बटेरे ते अल्लाह से खड़ा दीते, बल अल्लाह से दाल खवावन शुरू कर दीती। अल्लाह से फरमाए तुसा मेरे नबी दी मन्नी हो तुसा जीवे आख सो माऊ है करे सा, मेरे नबी दी मन्नी हो ते जेरे वेले उन्हें ना फरमानी की थी। पिछे अल्लाह से क्या कीता, गोश्त बाजारों के नवे ना ठीक ठाक गोश्त होंदा हा, कुन्नी वे सट्टे ना गोश्त होंदा हा, प्लेट च पावे ना गोश्त होंदा हा, खिरां विच रखे ना गोश्त होंदे हा, मूंह दे नाल नेवे ना उड्डे डर वाली कर टरकण पै वंजे। वल जराद वल कुम्मल वल जफादिया, ये कुरान दसेंदा पे फिरौनी कौम ते बनी इसराइल दे ना फरमा। एक एक वाल दे मोंडे च अल्लाह से जुआ रख दिया, मैं दे नबी दी ना मने सो सकून दी निंद्र माई ना करण दे सा। एक एक वाल दे मोंडे बिस्तरे ते सुमे ना जुआ चिचोड़, हालांकि चिचोड़ का माल को पंदे अल्लाह से पंजे कुछ मार दिया। क्यों ई वास्ते जो उन्हें वक्त दे नबी दी ना फरमानी की थी। सुन दे बैठे हो, बल अल्लाह सी आसमान को आख्या खबरदार हवा झोरना आन के मिट्टी वसावे ते वसावी कदे पानी दा कतरा उतो। पढ़ो कुरान, कुरान दसे दे जो सात साल तई अल्लाह से एक फेंग ही नहीं सकती, पीछे रल गए सारे नबी से को अपने नबी को आख्यो ने मूसा कलीम उल्ला को, क्या हाल थी गए साडे उते जुआ पै गए, भाजी च डेदर पै गए, खीर पींदे हैं तो कीड़े बुलक देन, क्या थी गए। पीछे अल्लाह से दे उन नबी मूसा कलीम अल्लाह से दे को दुआ मंगी, दुआ जो मंगी पीछे दुआ दा जवाब आया और जवाब कुरान च खड़े। इन वस्ती च मैं को पहली दफा सदे वे शायद ये तुरी समझ च ना आवे मेरी गल, वो जवाब कुरान च खड़े। मेरे पाक नबी मूसा कलीमुल्ला जेरे दुखे हुए बीमारी दे मरीज तेरे कोलो आए बैठन, भुखे थी के आए बैठन, जिस्म दे अंदर खटमल ते जिस्म दे अंदर जुआ पा के आए बैठन। मेरा पाक कलीम अल्लाह इन्हीं को आख दे जे होन भी मैं अल्लाह नाल सौदा च करेंगे तो राजी थीवन वास्ते मैं होन भी हां पिया। अल्लाह सौदा क्या करनी हूं तवज्जो करो, फरमाया लइन अकम तुम सलात व आतैतुम ज़कात व आमनतुम बिरुसुली, यही कुरान च खड़े। सारे जरे बुढ़े ना मैं दरखाना आया ही दरखाने दे सर ते बैठा, सारे जरे बुढ़े हैं ना और रात को दो त्रे पोतरे को सद के अपनी जवानी जा कहानियां सुन गए।
असा ई करें दे हासे ई हासे ई हासे दरिया छाक दे हासे डोला क्यू दा नाल चाह के वेंदे हासे। कदे ई कहानियां सुनवाया करो। फरमाया लइन अकम तुमुस सलात वआतैतुमुस ज़कात वआमनतुम बिरुसुलिही वअज़्ज़रतुमूहुम वअक़रज़तुमुल्लाह। ऐ मेरे दुखे बंदे बीमार बंदे बारिश दे तरसे बंदे मेरे दुखे बंदे ना खावण जोगे ना पीवण जोगे जो मुझे थी के मेरे नबी दे दरवाजे ते आदन मेरा नबी मूसा कलीमुल्ला अगे तो मैं बगैर हिसाब के देंदा आया इन्हें दा चेता जात नहीं दिया हुन जले पकड़ जा देन हुन तेरे दर ते बैठे हुन इन्हें नाल सौदा करने जे इन्ना शर्त मन गिद्या ता मैं अल्लाह उहो हालात भी उहे बला देसा जे इन्ने मेरिया शर्त ना मनिया ते मैं अल्लाह पकड़ेंदा वैसा पकड़ेंदा वैसा कभी को बीमारी विच मार देसा कभी को भूख विच मार देसा कभी को हवा विच मार देसा कभी को पानी च मार देसा अल्लाह मेहरबानी करन राजगी दे दीवार पड़े गुजर गए हुन शर्त ला असा तेरे शर्त मने दो फरमाया मैं अल्लाह पांच शर्त पे लेना और एक कुरान च खड़े तौरात च नहीं एक किस्सा कुरान च खड़े तौरात च हो गया तो मैं आखा जो अल्लाह से मूसा कलीम दी कौम को आखे ये अल्लाह से तो को मैं को दसेना पे जिवे सारे वड्डे आदन ना आखा धी को सुनवावा नू को आदा ते प्या अल्लाह से बनी इसराइल को सुनवाया तो को मैं को इस मैं उभो अल्लाह हाजरे उनने को पिटाई की थी हम मैं उभो हाजरा उनने को दरिया च लोरिया हम मैं उभो अल्लाह हाजरे अपने खलील को भाग चो बचाया हम मेरे महबूब अपनी उम्मत को आंख दो मैं अल्लाह को हाथ याद लेकिन पहली देखो पहली शर्त जी अल्लाह से लई है ना पहली शर्त हूं जरा तुसा अपना माहौल देखो जा जितने बंदे बैठे हैं कोई सारे जो सुखा बैठे जितने बंदे बैठे कोई औलाद किने दुखा कोई बीवी किने दुखा कोई रिज्क किने दुखा कोई माश किने दुखा कोई मोहल्ले किने दुखा कोई हमसाय किने दुखा कोई सुखा बैठा है कोई बीमारी किने दुखा है कोई अपने औलाद की नाफरमानी किने दुखा है अल्लाह फरमाए ना ना ई ना तुझा भावे मत्था मार मार ते रगड़े कट सटो मत्थे ते निशान ही पा खड़ो हालत तुरी ना वटी थी जे तक मेरे शर्त ना मने सो और ज्यो ज्यो अस वेंदे पऊ पिछु ते वेंदे पऊ अस रब दे शर्त मन्या कह नी अल्लाह साडे हालात ठीक करे ना कह إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ جے تک تُساں پِچھو تے نہ ولسو میں اللہ پِچھو تے ولانا لا کئی نہیں میں میں باغ چھکی رسائیں تُساں پِچھو تے ولسو تے میں اللہ مہربانی چا کرے ساں سبحان اللہ ہن کیا ہے اللہ تو شرط اندر سا پہلی شرط کے لیے पहली शर्त है जो नमाज शुरू करो पहली शर्त ये अल्लाह सही दी पहली शर्त ही है जेको असा तो सही में टाल छुड़े दे नमाज ते कहीं सी रखी अपनी रहमत ते रखी है ये पहली शर्त है अल्लाह सही تعلق اللہ دے میرے نال بل بن ترے دا تعلق میرے نبی نال منو تے ترے میرے نبی جا منو کتی تھی گیا اکم تم الصلاۃ نماز پڑھو وآتیتم الزکاۃ
जेहा कुछ कोई पूंजी कोई पैसा कोई 10 रुपए कोई 100 रुपया जे जेब च या घर च खर्च करो के बंदे को नाल चर लो कोई गरीब यतीम बेड़ा होवे ता ए दो कम मैं अल्लाह दे तरफों तुहाडे जिम्मे त्रीजा काम हूं तक मेरे नबी गुरु साहब अज तू बाद तुसा तस्लीम करो जो वल नरसो जिवे तेरा नबी आख सी करे सो वाहर तू मेरे नबी दे हर फरमान का एहतराम करे सो वह अकरज तू मुला करजन हसना अल्लाह करे कुरान समझ आ वे हूं अगो अल क्या दे अल्लाह सिंह चलो अस मन की जाए पांच शर्त नमाज ही ना चुके सो नमाज तुस सुन दे बैठे हो या जी जी करने बैठे हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह माने का पता ही जे अल्लाह चाहसी ता हूं अल्लाह नहीं चाहता तुसा नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो जकात दो मेरे नबी दी मनो मेरे नबी दी ताबेदारी करो जकात के इलावा सदका खैरात भी करो अल्लाह सा पंजे मने दे पयो अल्लाह तू क्या करे से फरमाया लहु कफिरन्ना अनकुम सय्यातिकुम एक दुनिया विच फायदा देसा वे एक आखरत विच फायदा देसा अल्लाह दुनिया विच केहा फायदा देसे फरमाया लहु कफिरन्ना अनकुम सय्यातिकुम मैं तेरे गुनाह मिटा छुड़ेसा वला उदखिरन्नकुम जन्नात पांच कम तुसा च करो मेरे बंदे मैं जन्नत च दाखिल कर छोड़े सा अल्लाह जन्नत तो समझन नहीं है असा तो मुड़ी दुनिया च खार थी गए गुनाह जो सा माफ कर दे से सब फायदा कहती सी पर मैं तुसा गुनाह करें दे हो मैं अल्लाह सजावा देना तुसा गुनाह छोड़ दे सो मैं माफ कर दे सा जनन सजावा ना हो सन रहमता हो सन जनन रहमता हो सन तुसा खुश थी की जिंदगी गुजरे सो सच है और पहली चीज के लिए नमाज के लिए पहली चीज नमाज हूं जरा नमाज दुआओ साढ़े नबी से नमाज कितना पढ़ दिया अम्मी आयशा तो सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमेंदी है नबी सोना इशा दी नमाज पढ़ के घर आवन हा हुजरे च तशरीफ गना वेना सुन वनू हा दीव विषम वन्य हा मैं जो अंधारे च टटोला हा बिस्तरे ते नबी सही पैना होंदे हन वल उठा मेरी किडे गयो सन मैं तेरा चाती वन्या हा देखा हा ते सोना मोहम्मद जवान मस्जिद सजदा दिती ते सुभान अल्लाह नमाज इंजी नमाज अल्लाह अल्लाह अम्मा ऐसा तो सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ना फरमेंदी एक जाड़े मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इतना लंबा सजदा किया जो मैं आके शायद दुनिया तो न तुर गए बल सिर्फ अम्मा ऐसा नहीं ये कुरान मेरे हाथ से थे अल्लाह से ही कोई आखना पाएगा इन ही नमाज जो अल्लाह से ही कोई आखना पाएगा क्या या अय्युहल मुज़म्मिल ओ मेरा चादर ओढ़ण वाला मेरा सोना महबूबा चादर पा के किंजा छक दूंगा ये हैं इश्क दी गल
आज जा नौजवानी इश्क करें छोटा जहा बाल है 8 साल का मैं आप सुनी मी कोई बला चाहिए वदाई है जी पता नहीं बिल्लू टुक सदें दो क्या सदें दो वो चाहिए वदा हा उन्हें चो गाना आदि पी आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश ये मुसलमान का बाल ही ना वदे को सीधा कलमान दे ना अम्मा को अंदे ना पिओ को अंदे ना माँ को अंदे पोत्र को वो कोई सिखाए ने जरा कुछ उन्हें को अंदा जेरे नबी दा कलमा पढ़ी उन्दी शान देख या अय्युहल मुज़म्मिल चादर उड़न वाला चादर पावन वाला मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह जी रब्बक मिल लैला इल्ला कलीला मेरा महबूब जान को इतना जोखे बिच ना पा कोई आराम ही कर गिदा कर तेरी तो मेरी यारी है तू क्यों न सुनदा को मिल लैला इल्ला कलीला वो मेरा पाक पैगंबरा मैं रब ते को इख्तियार ते देंदा अपने उते जोर न कर कहीं दा आदर ते दे ते कहे नी सारी रात अपने शौक च खड़े ता तेरी मर्जी इल्ला कलीला ते थोड़ा लाजा खड़े ता तेरी मर्जी निष्पहु अविन कुछ मिनहो कलीला अद्धी रात नमाजा पढ़ तेरी मर्जी चौथी रात नमाजा पढ़ तेरी मर्जी मेरा मोहम्मद जवाना अज तू बाद तेरा मेरा तेरे ते कोई जोर कहनी जितना शौक होनी उतना सुभान अल्लाह तवज्जो ही तोड़ी बेशक अब वो क्या आंदे वरतिल कुरआन तरतीला एक गाल है मेरा मोहम्मद जवाना तेरी जुबान चो निकलता होया कुरान में रब को बंदा डाठा है सुभान अल्लाह मैं खुद डाठा बंदे देखो इख्तियार है सोमते भावे कुरान पढ़े मैं अपनी पसंद ते को दसेंदा पिया ते वल्ली नबी सही खड़े ने पेर सोज गए ने अम्मी ऐसा तू सिद्दीका आखन लगी सही आ तो अकवल्ला सही आख्या ता ही जो तुम्हारी मर्जी वला ही खड़े में दे अल्लाह दे पाक पैगंबर क्या फरमाते हैं अवा अवा अवलम काना अब्दन शकूरा ओ नबी ऐशा अल्लाह ने मेरे को ता इख्तियार जरूर दिते पर मैं अल्लाह दा शुक्र गुजार बंदा न बना शुक्र करन दा तरीका ते यो है सारे सममन मैं जागदा रहा उन जागना ले दे नाल गाली करंदा रहा अवलम काना अब्दन शकूरा मैं शुक्र गुजार बंदा हाँ नमाज दी हालत देख मैंने मोहम्मद जवान दी वे मियां जेरे घर दे अंदर नमाज होंदी है जेरे घर ये बाल दे तो ये जेरा खड़े मैं दिठे मी जेरे घर च नमाज हो सी ओ बाल छोटा जिया बाल जेरा सुथण ते कमीज नहीं संभाल सकदा नमाज वेले हु कोई दिठे में सजदा की थी प्यों ले क्यों घर च नमाज वल मैं दिठे में जो छोटे छोटे बाले को झुमर मारन दे कमाल दा दान दे मैं के ई घर च झुमर ऐ तहु झुमर खड़ा मरेंदे ई घर च खुदा दा सजदा हा तहु सजदे खड़ा करेंदे जेजा घर हा ओंजा सजदा हा घर हा मोहम्मद रसूलुल्लाह जिया ते सजदा वल हा कर बला जिया सुभान अल्लाह सुभान बेशक घर हा मोहम्मद रसूलुल्लाह हसनैन दी अम्मा फातिमतु जहरा ये मोहब्बत की निशानी फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अली से फरमाया फातिमा जी सही मैं वेदा प्या मुल्क शाम तिजारत वास्ते ते तुम पाले दई ख्याल रखी अपने फातिमा तो जहरा दी ठीक है सही हजरत फातिमा तो जहरा सोने अली को हवेली दे दरवाजे तक पहुंचाए के तक दरवाजा सुन दे बैठे हो धीरे आले सुनो
धीरी को डशा करो। ये नबी से अपनी धी को अदब डशा हा जो घर आले दा अदब ई कर जले घर किने बाहर निकले दरवाजे तक पूछा आई कर दरवाजे तक वल पता लगे जो शोहर मेरा बल्यान दे वल फरमाया बे कम छोड़ दिते कर दरवाजे ते निगाह रखी कर जू ही दरवाजा खुले अपने खामिंद दरवाजे ते इस्तकबाल करके कमरे च घिन गई कर अदब है। ये क्या है अदब क्या है सादे के आदत घरों जो घर ला के मैं वेला पे कम ते मई सैन विच विच दिल ने चाहती मस्से कितनी टलदा ते पई मसे किथी टलदा ते पई वजले सोदा काम कार करके वल्या सारी मजदूरी च रगड़ी दे मंदे चले दे शाम को जो दरवाजा खड़के थी अंगो अंदरो दरवाजा बंद हा फकीरनी कोई काम भी करे नहीं होती वला जो खड़के सु आवाज दीती मरता ते नहीं खड़ दू मैं वह रोल लिखो गई हूँ वह खानदान दा उस सादात की सुन्नत असन छोड़ दी थी इतना रोल गई हूँ उस अरे एक बुजुर्ग थी गुजरे मौलाना लुकमान अलीपुरी वो अदाह कोट दी मिट्टी कोट को लग गई न ई घर विच कोई अदब हा न ओ विच कोई अदब हा जिदो आंदी है कोट दी मिट्टी कोट को लगी बीबी फातिमा बहरले दरवाजे से छोड़ के बल लई वली शादी अजान सोना बिलाल देंदे बीबी फातिमा तो जहरा इशा पढ़ दिए सुनता पढ़ दिए नफली पढ़ दिए वितर पढ़ दिए वल नफली पढ़ दिए वल्ला दिए दो रकात नमाज नफिल अल्लाह अकबर أعوذ بالله بسم الله فاتحة ألف لام ميم سيقول تلك الرسل لن تنالوا بالموسنات پردے 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 تری سفارت اذا جاء نصر الله والفتح جل این صورت تے پہنچی دل وچ خیال ہے فاطمہ قرآن پج گئے رکعت نہیں پجی क्या मेहनता जे अब्बे नमाज पढ़ी ते धीदा ए हाला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अब्बे नमाज पढ़ी धीदा ए हाल हा इजा जा नसरुल्लाह पूरी करके रुकू करनी है मल जल्ले रुकू किने उठ दिए सजदे करके दूजी रकात दी नियत करनी है बिलाल अबे अस्सलातु खैरुन मिनन नौम फजर कीजिए फजर कीजिए अल्लाह तो को गेन वने मदीने उच्चे आखो आमीन छिके आखो आमीन आमीन और वन्यो ना रोजा रसूल ते मुंह जो कर करो मुवाजिया शरीफ ते हां तेरे खब्बे मुंडे किने रियाजुल जन्ना है खब्बे मुंडे किने जो देख सो नबी से दे रोजे दी दीवार मुकदी परो गली पे इयो फातिमा दा घर आ इयो फातिमा दा चौका फर्क नबी सिंह दे घर को तप इने जे बिलाल अजान दीती हाय 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 अल्लाह को शान क्या है नबी सिंह मुसल्ले ते हन थी भी मुसल्ले थी चीख निकल गई बीबी फातिमा दी क्या दिए रब्बा तेरी रात इतनी छोटी है जो फातिमा दी एक रकात को भी देनी फातिमा दी एक रकात ही नहीं थी तेरी रात ही मुक गई पता ही तेरा आप तो देखो तू सासा एक दाल पकाई वदू गरीब ने रोजे रखे दी ही बात गए मुसलमान है ये मुसलमान है कलमा पढ़ी खड़े वे तेरे खानदान दे वदे दा कलमा पढ़े से उन्दी धी आती है तेरी रात ही यह कुछ है यह कुछ रात है सारे ही माथ में रह एक बंदा है मैं ना नहीं गिनदा सख्ती दे मारे रोजा च रखे माथ में ना बंदा है रोजा जो रखे तो भंग पींदा शुदा ये को क्या पता है रोजा क्या होंदे लोगे को जो डिठे से रोजे रखे ना धीरी पुत्रों को जो डिठे वाला आप ही नहीं अच्छा की पीस इमें से जी दुपार थे ते दौरा तैयार की
रगड़ रुगड़ बिदाम विच सटन थी खसखास विच सटी इस ते विच और भालगी रूह अफजा रला के उत्ते सावा कपड़ा पा रखी उन्हीं आखे मेरी जिरले सेज इड्डे थींदे पीछे त्रुक पंदे पुत्र को आदे बाबा ने देखा कुछ लथे कहे ना इडो अधम होया थिया पिया हा पुत्र के बा हाल ही ते पेशे कह नहीं थे पांच मिनट तो बाद वाला पच्चीस वो आखे बा हाल ही कह नहीं लथा अच्छा ने उकु वन्या के प्यो दहाई ते खड़ा रहे मैं रोजा वसीना पी मैं अपनी मस्जिद तकरीर बैठा करना रमजान शरीफ का महीना चुकू जाड़े कुदरती गर्मी है जुमे आले जाड़े मैं कि हजरत अली सही अंदर मेरे को त्रै चीजा पसंद है गर्मी का रोजा होवे मेहमान होवे मैं खिदमत करा तलवार होवे दुश्मन सामने होवे तो उसे ही मेरी तकरीर च बंदा बैठा हुआ कि अली जाने तू जान सारे को रोजे नहीं भी रखी दे सदा ये हाल है मुसलमान ये हाल नमाज नमाज खुदा की कसम खा के बैठा था मैं को याद है तुसा तो मेरे को बहु बड़े बैठे हो उम्र च मैं को याद है वही में चंद बोरिया कालिया बोरिया हो जहान दाने जा भरी जहान घर च रख दिया से जट जरा है ना मुछे को तेल ला के आता पूरा साल दाने द्रेहन और पत्ते दे पत्त दाने लातन कलोटिया भरिया लातन साल नहीं गुजरता छह महीने तो बाद जट कटोरा चाहिए वे कोई दाने उधारे दे दो मैं गलत बैठा था कदे सोचे वे क्यों तदम ए होता हा मैं बुढ़ी को देता हम चक्की पिछती है ते यासीन की खुरकाहट ना लंबी आई चरखा चलता हा ते जिक्र उल्ला की खुरकाहट ना लंबी आई मेरे जट बुजुर्ग को भावे कश नामती है मस्जिद बन के सिर झुकेदा हा सुंद नमाज पढ़ता हा कुरान का लफ्ज ना आवे हा हाथ रख के आता रब्बा सच्चा थी ऊंचा बरक चंद बोरे ते साल गुजर वेंदा हा कुरान दे नेड़े निवे वेंदा रात सारी तेरी औलाद सोनी में फिल्मा दे दिए धीरी ते पुत्र साडे काने ते गुजारा करेंगे बल बरक ही हो जान कलोटी च रखे ते कीड़े पै गए ना तेरे खावण दे ना जानवर ने खावण दे आ आ लइन अकम तुम सलाता नमाज दे तू आ बाकी मैं रब दी जिम्मेवारी है सुभान अल्लाह कैसा समझ आंदी पई मैं कह ना साडे से माशाल्लाह हां माशाल्लाह इथे ही तोरी कलोनी च एक शादी है मैं तो नाल सुत्ता पे आउंदा ही दो ना नहीं मैं गिंदा ना मेरी आत आते हां मुसलमान दा घर जिथे शादी है तो मलंग कुसडवई पे होवे पहले कंजरिया नचन खड़ा झूमर ताड़ी है भला मैक जो है तो जवान मारी है एक टांग औरतें दी मर्दें दी आवाज मैं नहीं सुनी जरी औरतें दी चीखें दी आवाज पी दी और मैं कि तो कोई कुरान मेरे हाथ चे मैं मलंग दी गाल तो को किवे सुनावा जो बकवास कढ़ी है मेरे थीरी चीखा मारन पै गए मुसलमान कुरान दा पत्ता कहनी सोने नबी दी हदीस दा पत्ता कहनी रात को सोने नबी सही कुरान पढ़ते हन मुसलमान केजा कलमा पई सारी रात आप ही नचई बाले को नचई केजा मुसलमान किथे पता नहीं पुज गए मुसलमान मौलवी सौदा कुछ आदे थे मुसलमान ए जरा अज दा मुसलमान है डांगा चाहिए बदे मौलवी को प्यार करण दा डा नहीं अंदा प्यार दी गाल करण दा डा नहीं अंदा मौली जेरी गाल करे सी सख्ती दी करे सी तेरी अपनी किस्मत तो जब तक नमाज दे नेड़े ना उसे
कुरान मेरे हाथ से चाहिए बुजुर्ग कदही औलाद तेरे नेड़े न खर्ची कल्ला मरसे मौत औसिया कदही तेरा मंजला ब्राह्मण जोगी औलाद ना होसी। और मैं दिठी बैठा खुदा की कसम दिठी बैठा मेरी अम्मा अगर कुरान बल न चाहते कुरान की तिलावत शुरू न की तो अम्मा अम्मा की आवाज भूल वे से जिन्नो आवाज लग सी धी सदे सी पुत्र सदे सी आक्षण फोक दी बैठी जरन का कुरान छोड़ी ये लफ सुन दी बैठी कुरान दो आओ कुरान दो आओ कुरान दो आओ कुरान आ हा 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 केंजा कुरान केंजा करबला दी रात दम दी रात दादी थी गई छोटे बड़े प्यासे दुखे लेकिन खुदा दी कसम दम दी रात मैं हुसैन दे मां चो सुनी पर्दा खड़ा होता है मां जल्ला अलैक अल-कुरआन मुतस्का मैं बीबी ज़ैनब दे मुंह विचो सुनी और फिर भी खड़ी सब्ह लिल्लाह मा फिस समावात व मा फिल अर्द मैं मासूम सकीना को देखे मैं पर्दे खड़ी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहू सिनतुन वला नौम छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े अफराद सारी रात कुरान पढ़ के गुजरेंगे जल्ले कुरान पढ़ के गुजारी ने अल्लाह फरमा रात का टाइम तू सादे भी चौकड़ी दिखे ते भावे नहीं दिखा और होर तो चिट्टा नहीं है मेरे प्यारे हुसैन का सिर नेजे ते चढ़ गए देखो जे कोई कान सुना मां बैठे ते नेजे ते भी मेरा हुसैन कुरान पे पढ़ते नमाज जो आज मुसलमान विसर गए सच्ची गाले विसर गए तो पता नहीं तुहाडे बुजुर्ग जरे बैठो तुहाडा दौर के जहा तो तुहाको पता कि मैं अजन नौजवान हामी उवेले मैं बुलूग दे करीब हम अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह दे कठे के जाते गियो मौलाना अब्दुल्ला बहन भी रहमतुल्लाह अलैह दी तकरीर एक जाते अब जी दे कठे गयो से इमे आमदा दरख्त आउं दे तले एक बुढ़ड़ा बैठा नंगे वाण दे उते ए जड़े हुंदे पैर ए जड़े हुंदे हाथ मांझ पीती बैठा उसी ए जड़े हुंदे हाथ तो अब जी आख्या आ बैरवी साहब दी तकरीर है उड़े ही जुलू आखे तकरीरा मकरीरा आसानी सुन दे ठीक है अब जी पूछा नमाज पढ़ता रहनी अजे हाँ हाँ मुसलमान निमी ईदा दुहाए ईदे जा नमाजा पढ़ता दुहाए अच्छा बिया नमाजा के जाने बिया ये पांच टाइम फजर पेशे दीगर मगरब ये अजे हूं मुसीबत आप पहले कहना हन नमाज को मुसीबत समझी खड़े जबान नाल चाहे अज द मुसलमान अमलन दसेंदा खड़े नमाज है ही मुसीबत नेड़े जो नहीं वेंदा पक्की गाल करे ना पे कुरान में हाथे थे नबी सही एक लोहार को दिखा वो लोहार जो है ना वदान मरे ना बैठा हा ते अजान थी गई अजान जो थी वो लोहार ही में हथौड़ा चाह के जो रखे रख दिते उठी पे नबी सही फरमाए ए जल्ले हथौड़ा इत्था खड़ा हा अजान दी आवाज सुनी अगुते आनन दी इजाजत कहनी उठाई सट दे अगुते आनन दी इजाजत उठाई सट गत ए पिछो कंड पिछो सट गत नमाज तो टुर या रसूल अल्लाह क्यों फरमाया नमाज दे टाइम अगर कहीं हक हलाल दी मजदूरी भी कीती है बेटी नमाज दे टाइम नमाज ते नहीं गया नबी सी फरमाया ई हराम खा दे केंजा हराम खा दे ये मटका मटका ड्रम खीर दा भरिया लाता होवे मेरो देखो मेरो खीर दा ते हेक फेंग पेशाब दी चसत हो क्या ख्याल है सारा खीर पाक है या पली ते पली ठीक है कहना क्यों ड्रम ते सारा पाक खीर दा
یہ مثال نبی سے فرمائے تھوڑا وقت جو حرام کھا دئی وہ حلال جو رلائی سارا پلیت تھی گئے میں خدا پتہ ہے جو پلیت تھی گئے اور میں سوچے میری بالے واسطے دو کلو کھیر کی میں کہنے سب میں کو پتہ ہے انہیں کو تو پتہ کہہ رہی ہے ونجان دے بے مسلمان ونجان دے پیسے تے اندر سارا کام تا کریں دے انجھے لے نماز سادیج کہیں اور اگو تے ٹورو کتی چیزہ ہن پانچ کتی پانچ لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة زکات کے کو آدن زکات آدن پاکیزگی کو کت کو آدن میں تو کو مثال دے ماں خیرات کیتی ہے ایک ذمہ دار یہ سارا بزرگ آیا بیٹھے یہ مستوی آیا بیٹھے ڈاڈا سخی جوان ہے سن دا میں خیرات جو کیتی ہے کیا کٹھی ہے مانج کیا کٹھی ہے مانج توجہ میڈو کیا کٹھی ہے مانج کٹھی ہے ہر کہیں دے گھر گوشت پہنچ گئے شوق نال کھا دے بھی کھا دے نا کیوں تے بھلا جو سویرے اٹھے ہو باہروں مانج پئی ہے تھی صاف ستری مانج سیدھی سادی پئی ہے تھی میدان چ موئی پئی او کو کھوسو کیوں کیویں حرام ہے حلال جانور نہیں گال ہے جو چھری جو پھریندی ہے جرا ناپاک خون دے چ کھڑا ہوندے او نکل ویندے ناپاک خون ہوندے کلو کھن منج ہوندی ہے چار من دی جلے او کلو کھن نکل گئے سارا گوشت پاک تھی گئے جری مر پئی ہے تہو نہ کھندا جو کلو کہ نہیں نکتا بس جتھا کلو نے نکتا چار من نہ کھندا جرا تیرے گھر وچ پیسے لاتن تھے جرا تے کو زمین دتے ایڈو بے مان نہ کڑدا بے مے دی وجہ کنے ان بھی تے حرام تھی گئے اوتھا پرواہ کہ نہیں بھی اتھا مسئلہ پوچھتا ہوا دے ہائیں سی میں قرضدار ہی ہاں اشور دے ماں نہ دے ماں کرے این آنکھی میں قرضدار ہی ہاں ہون شادی پوتر دی کرا نہ کرا اتھا پٹکی نہ سنبھال سکتی منجلا نہ سنبھال جمر مرینا مرینا اسی ہزار روپے دی بیلن سٹے تھی اللہ دے بندے میں توڑا دشمن نمی توڑے علاقے دا ہاں توڑا غریب پھرا ہاں اللہ دا واسطہ ہی وے قرآن دعا قرآن کیا دے حضرت ابو بکر صدیق پوچھے ہیں سی یا رسول اللہ نماز کوئی اے جڑی بڑی شے حضرت علی سے جو بیٹھن اوہی نال تھی ہے جو ابو بکر جو مسئلہ پوچھے حضرت علی سے کہ میں ہی سن گے نا ہن ای حدیث دے دوہے راوی ہیں ابو بکر صدیق بھی تے سونا علی بھی ہوں دیکھو قرآن میرے ہاتھ جو میں جھوٹ نہیں بولے گا نبی سی کے نے جو پوچھے نے یا رسول اللہ نماز کوئی اے جڑی شے ہے حضور سے فرمائے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اے کافر والا کم کیتے کہندے اللہ کیوں میں اگر ای ترجمہ جا کرا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد عشق کو آج کیا لا کام کیتے کیوں کو غلط کیتے میں کہ نہیں آئی آج جرا نماز نہیں پڑھتا وہ آدھے میں نبی دا عاشق جرا شدہ نماز کتری کتری پڑھ دے وہ آدھے ملا ہے وہ نبی دے گستاخ ہے جائیں نبی کو روزے وے چرو گئے وہ عاشق بن گئے جائیں جگر ٹھڈا کیتے محبوب دا گستاخ بن گئے وہ تھوڑے فیصلے مل ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جائیں جان بوجھ کے نماز چھوڑیے کافریاں دا کم کیتے قرآن میرے ہاتھ چے پاک نبی دی حدیث نہ ہوے مردے ویلے اللہ کلمہ نصیب نہ کرے نبی سے دی حدیث وہ جیری چیز سارے گھر وچ برکت آنے دی ہے او چیز دا تے مسلمان واقع بھی کہنی ایکو گھر رہاون دا موسم یاد ہے جوار رہاون دا موسم یاد ہے کمانج سنبھالن دا ایکو وقت یاد ہے رڑ رہاون دا موسم یاد ہے واڑ رہاون دا موسم یاد ہے ایکو سنبھالن دا وقت ایکو یاد ہے مسلمان کو یاد کہنی تے صرف نماز یاد کہنی
पता है मुसलमान अगर ये मुसलमान हो असा नाराज न थी वे जेरी सारे मुल्क चोरी थी नहीं पी मुसलमान करें ना करे काफिर अलो जोर दा शराब कौन पी दे जिना कौन करे ना पे सूद कौन खंदा पे उची अलो धेरी बहने का हक कौन खंदा पे ये मुसलमान है ते पता नहीं काफिर कोई भा लगे सिंगिया ले आ सिंग लगे खड़े आ मैं जरन 96 बेच हज ते गया तवाफ करेंजे करेंजे थक के जवान बैठा मैं हतीम दे सामने भी एक बुजुर्ग आ गए बुजुर्ग आ कितवा हज जे पहला हज कीवें हज की तू तो गरीब बंदा हा मैं अने अब्बा जो फौत थे जायदाद बेची हम चा हज ते आ गया मेरी सौ का हज कर गई ना मैं क्यों भेणी दा हिस्सा अने साडे पास रिवाज कहनी मैं जे तेरे पासे बेणी दे हिस्से देवण दा रिवाज कहनी ते तेरे ई हज को कबूल करण अल्लाह दा रिवाज कहनी बंदे दा फल बन कलमा पढ़दी वाला हक देणी दा कल नहीं इंसान दा बच्चा बन कलमा पढ़दी पीना शराब ही करेंदा जिना ही बंदे दा पुत्र बन कलमा पढ़ी वाला सूद खड़ा कर नहीं नमाज क्या लाजमी वेसा पिछे इंशाल्लाह उते तुसा ना वजन दे वी मिनट तक हूँ अठ मिनट थे पेन वी मिनट के अठ मिनट गुजर वजन बाकी बारह मिनट इंशाला बारह मिनट मैं ओ नाल कर इंसान जो कहीं ना की देखो ये कुरान है मेरी अपनी गाल नहीं कुरान देखो अल्लाह की कसम है कुरान मेरे हाथ च तुहा को तकलीफ देवन मेरा मकसद नहीं अल्लाह की कसम कहीं दा दिल दुखावन मेरी मकसद नहीं सिर्फ यो दावत बैठा देना ही को समझू साडा है इशो दा कहीं दे कहीं किरार दा कुंडा ना वंज खड़कावे असा ही दा वारिस हूं असा मुसलमान वारिस हूं जन्नत दा फैसला ही थी गए जहन्नम दई क्या मतलब जाड़े जेले हर कोई जन्नत जन्नत च लगावे सी जहन्नमी जहन्नम च लगावे सी अल्लाह शेख सी वजी इब्राहिम जी अरबा ये आधाली दीवार कट छोड़ आधाली ये जहन्नम ते जन्नत दे दरमियान जेरी दीवार इकू क्यों अल्लाह पर मैं देखें ते सही इन्हें को पता तो लगे जो नमाजी को क्या मिले बेनमाजी को क्या मिले इत दुनिया ते आधे हन ए जहान मिठा अगला कह दिठा हूं इन्हें को पता तो लगी दीवार जो हट सी अब्बा देख सी हर मेरा हाजी पुत्र जहन्नम च गया खड़े पुत्र देख सी मेरा अब्बा मुफ्ती जरा हा दुनिया ते जहन्नम च गया खड़े वो देख सी पीर देख सी मेरा चन्ना मुरी जरा तस्बिया पढ़दा वो जहन्नम में गया खड़े तो पीछे कुरान प्या दे ए कारी हाफिज साहब सामने बैठन बे हाफिज ढेर बैठन सूरत मुदस्सिर नबी से को अल्लाह से कहे भाई मेरा कंबल ओढ़ने वाला मेरा नबी आ जरा सोना अपनी उम्मत को सुनवा यही सूरत खड़े ने गाली क्या है ने अल्लाह अल्लाह कुल नफ्सिम बिमा कसबत रहीमतुन इल्ला अस्हाबल यमीन फी जन्नाती यतसालून अनिल मुजरमीन जंती खड़े हो सन ना जन्नत ओ जहन्नम वाले के ने पूछन खैर ही वे मार को ओ गदो तू तो साडे धीरी भेड़ी दे फैसले करे ना मैं बोदा साडे निकाह ते तलाक दे फैसले करे ना आवे गोदा खैर इदे किदे इदे किदे और इनाक सी मैं कहीं दा हक खाया और इन इनाक सी जमीने दे कब्जे किथई ने ना हम इंतकाल किथई ने ना हम उसा गोदा इनाक सी 20 साल बैठे रहे गन पैसे पहले दित्या ने 20 साल तो बाद माया के जरे पैसे दित्या ने मुटे चा गए जमीन गिनो तबे पैसे दो
वो अंगारे खड़ा भरे नहीं को दो अंगारे खड़ा भरे नहीं थे औलाद तीन से अल्लाह क्या जी मैं नहीं बैठा था कुरान है मा सलकतुम फी सकर क्या थी गए वे केरी शो तो जहन्नम में चिठे नहीं है एक कुरान सामने ही इस जवाब दे सल्लमत में यारा भी कम तजे जे हन हन जे जहन्नम जेरी वजह कि न्याय खड़े हैं वो इया वजह जो सन नमाज न पढ़ दे हासे डोड़े तो मैं कहीं आई थी अगो जले आसे ना सा नमाज कहना पड़ दिया थे तू असा कि ले खड़ू तो बोला जनती पूछी तुरी सफारिश ही कहीं नहीं की थी चुप तुरी सफारिश कहीं नहीं की थी सुन दे हां से जो कहीं ना कुरान दा हाफिज पाल हो सी दे बंदे को गिनवे सी तोरे रिश्तेदार कोई कुरान दा हाफिज कहना हा मेरो मेरो तो बेचो तोरे रिश्तेदार कुरान दा हाफिज कहना हा कोई ना सही अच्छा कई वली नाल तोरा हाथ कहना हा कहना दी हा तो सही पर वो ही साडे नाल खड़े ना आप नमाज पढ़ता ना सब हुआ असा के हिंदा लड़ पकड़ी बदू जिदे वे दी नहीं असा अच्छा नबी सही तोड़ी सफारिश नहीं की थी तो वह चुक रहे मैं कुरान चाहती बैठा अजने आपस से चल में दे पर अल्लाह से अक्सी फमा तनफाहुम शफातु शाफीन जरा बे नमाजे उंदे बारे च कहीं दी शफात मैं अल्लाह कबूल नहीं करना बे नमाज दे मुताले कहीं दी सिफारिश कबूल नहीं थी तो लोग अक्सर वदे बस नबी दा इश्क दिल च रखना नमाजें दी जरूरत ना रोजे भी अठे साल जो है वहां के सिर्फ साल एक दफा मिलाद मनाया चक्कर कोई नमाज रोजा ना रख बेड़े पारी तेरी जे भी खाली की गए ईमान अलाओ सीना जरा वो ही खाली की अगो पढ़ा कुरान मैं 20 मिनट तक जुड़ने अगो कुरान है मैं नहीं ये देखो सूरत मुदस्सिर इतना लिखा खड़े वे ही जाते लिखा खड़े कुरान क्या प्यार दे हाय कुल नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाब अल्यमीन फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन वकुन्ना नखूद मा लखाइबीन वकुन्ना नुकज्जिबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة कोई अगर सऊदी वक्त गुजारे मैं हुंदे नाल अलवेला बेटा हुमर हमीर दी जमाए हमीर कदा कुआ दिन क्या फरमाया फरमाया जरा नमाज नहीं पढ़दा ए हुमर मुस्तनफिरा दुकन आला गद्दा भी जंगली गद्दा ही गया जे कौन पे आदे मदन से भाई मैडू तो फतवा लाई खड़े रहो जो कारी अब्दुल्ला के पे नमाज गद्दा है मैं तो को गद्दा क्यों आना मेरी तो भाई अल्लाह से आके जंगली गद्दा है मेरे ख्याल है तुम्हारे पास एक गद्दा इज्जत अली शाह क्या ख्याल है नमाजी बंदे को तो तुसा दे निकम्मा सूफी
ना नाराज न थी वे जे को रब गड्डा के तो हूं को सोफा सेट भी छा दे दो जेरा नमाज दे नेड़े नहीं वेदा तो हूं दे को झुक दे पे होंदे हो अल्लाह दे गड्डा है असा के ना साडे सिर दा ताज है अल्लाह तू आंख पे गड्डा वक्ते नमाज को रब गड्डा के वे मेरी धी मेरी अम्मा नाराज न थी वे नमाज नहीं पढ़ता भावे दा हज की खड़े अल्लाह थे कि हई गद्दा दा गद्दा डिठे में मैं इन अखी ना डिठे जेरा कम पहले करे ना मेरा टाइम जाय करे जिना करे कबूतर बाजा करे हज ते जो गए वला जो वले टोड़ा की आए मैं को कही ना कि है सही इवे है ना जो नबी सी फरमाए जरा हज कर रहा वे इवे है जी में अट्टे चो बाल कटो मैं के बेअकला समझा नहीं में नबी सी फरमाए जल्ले हज कर रही इवे थी आज में अट्टे चो बाल निकल दे पहले गुनाह करें दा हमें हुन इवे थी आ साफ सुथरा वल ना करी समझे शायद पहले माफ थी गए होना बोला भी ना तुस नाराज न थी वे मैं दिल लुखावन दा प्रोग्राम कह नहीं जरा पिछू ते सोचो हां ये सूद आली इल्लत पाती कह ही ना हाजे पाती इन्हें जो पैसे को इन्हें को जो ढेरन आन ब्याज दे दीते ने बे उठे नूने खादा सूद दे दीते ने बे उठे नूने स्प्रे सूद दे दीते ने बी आई तो माही यार वद्दा है इन घिनन शुरू कर दीते रब बाके ना उन्दे घर रच बरकत आवंडे सा ना उन्दे घर रच बरकत आव रोंदा मरसी वो ही रोंदा मरसी कुरान क्या है कि कान्नहुम हुमरुन मुस्तनफिरा जरा नमाज नहीं पढ़ता है जंगली गड्ढा है अल्लाह को गड्ढा के वाकी फरमाया फर्रत मिन कसवारा जिन्हें जंगली गड्ढा शेर की आवाज से द्रुकण पैवेंगे ये भी गड्ढा है अजान की आवाज से मस्जिद तो नहीं द्रुकता पे पासे फरने वेंगे नमाज परसों या कहना निवेल रहे परसों या कहना सारे को मैं नहीं आता जेरे परसों वे आप खड़ा करो हाँ भैया मैं अल्लाह सारे सच्चे अल्लाह इन्हें हाथ खड़ा किते रब्बा तू अपनी रहमत दे सदके इन्हें को पक्का बना दे पक्का बना दे अल्लाह सही सारे हाजी गुल मोहम्मद दे घर च माल च रिस्क च औलाद च बरकता ता फरमावे अल्लाह सही जितने आए बैठे हो अल्लाह सही सारे दे घर च बरकता ता फरमावे अल्लाह सारे दे घर च जनानिया मर्द औरत बुढ़े जवान सारे को नमाजी बनावे अल्लाह सही ई आजिज दे घर च नमाज दा रिवाज फरमावे ई को भी नमाजी बनावे अल्लाह सही मैं को तुसे सारे को हिदायत नसीब फरमावे व आखिर दावाना अनिल हम